हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ खीरे का रायता। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और यहाँ मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और मैंने यहाँ लिया है फ्रेश हरा धनिया जिसे मैंने कट कर रखा है, और मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के खीरे लिए हैं, और मैंने यहाँ 1/2 केजी इतना दही लिया हुआ है खट्टा वाला। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, खीरे को साफ करेंगे। पहले हम खीरे को दोनों साइड से कट कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा मसाज देंगे। इस तरह से करने से जो हमारा खीरे में जो कड़वापन होगा वो नहीं आएगा टेस्ट में। सो फ्रेंड्स, मैंने कर लिया, अब हम इस साइड से भी इसे कट कर देंगे। और अब इसे अच्छे से हम साफ कर लेंगे, इसका स्किन जो है निकाल लेंगे। इस तरीके से तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ खीरे को साफ कर रखा है। अब इसे हम क्या करेंगे, कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस के लिए मैंने मीडियम साइज का कद्दूकस लिया है, और हल्के हाथों से इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। रायता बनाने के लिए हमें बहुत मोटा वाला कद्दूकस नहीं लेना है, ना ही बहुत पतला वाला लेना है, मीडियम साइज का लेना है। सो जो मैंने लिया है, रायता तो बहुत सारे चीज़ों से बन सकता है, बूंदी का, गाजर का, प्याज का, बट जो खीरे का रायता होता है फ्रेंड्स काफ़ी टेस्टी लगता है, आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। सो अब देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक खीरे को कद्दूकस कर रखा, अब हम दूसरे खीरे को करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने खीरे को कद्दूकस कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, दही, जिस इस दही को क्या करेंगे हम थोड़ा 5 से 7 मिनट तक फेंटेंगे, इसमें बिल्कुल भी गुट्ठे नहीं रखने देंगे, पूरी तरह इसे लिक्विड बना देना है फेट फेट के। और मैंने यहाँ खट्टी वाली दही लिया है। सो फ्रेंड्स रायता के लिए खट्टी वाली दही ही सबसे बेस्ट होता है। तो मैंने दही को बिल्कुल पतला कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे खीरे को। आप खीरे की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो, बट मैंने तो परफेक्ट लिया है। 1/2 केजी दही में 2 खीरे, 2 खीरे और इसे मिला लेते हैं। पहले
सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सादा नमक, फिर हम ऐड करेंगे काला नमक। पहले दोनों नमक को पहले अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज्यादा। अब इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च, फिर हम डालेंगे धनिया। सो फ्रेंड्स, मैंने सभी चीजों को इसमें ऐड कर दिया है, अब अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो आइए इसे फेंट लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारा परफेक्ट रायता बनके रेडी है सर्व के लिए। कमेंट करके जरूर बताएं हमारा रायता बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।